बंगाली है बंगाली। केबल टाई हम लोग अभी मार रहे हैं, केबल टाई भी है प्रॉपर तरीके से, केबल टाई भी मरना है। ये येलो को येलो के साथ और ब्लू को ब्लू के साथ, और रेड है तो रेड के साथ। और जिस साइड का एमसीसी भी है, जैसे इधर एसी का होगा या हमारा लाइटिंग का होगा, उस साइड लेकर हम जाएंगे केबल को। फेस है RYB और बाकी इधर लगा हुआ है तीन, इसका हम इस साइड ही लेकर आएंगे। इसको यहाँ पे हम रोक दे रहे हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो, वहाँ पे केबल को बांध दे रहे हैं केबल टाई से। और यहाँ बड़ा वाला केबल टाई से बांध रहे हैं, वो बार बार गिर जा रहा है नीचे की तरफ, ड्रेसिंग करने में दिक्कत हो रहा है। और अभी हम देखिए उसको, ये ड्रेसिंग करने का अच्छा है कि हम वहाँ पे उसको बांध दें, फिर दूसरा हम फेस उठाएं और उसको भी हम केबल टाई से अच्छे तरीके से उसको बांध दे। अब ये रेड कलर का है, रेड कलर का बैंड हो रहा है राउंडिंग में, तो ज़्यादा बैंड भी नहीं करना है, राउंडिंग एकदम तुरंत बैंड नहीं करना है, यानी राउंड में करके ले जाना है ताकि अच्छा दिखे और क्लाइंट भी अच्छे से पास कर दे, फिर नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। इस टाइम में हम लोग लंच टाइम में कर रहे हैं, बना रहे हैं, अभी लंच टाइम है, फिर भी वीडियो के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग लंच टाइम में कर रहे हैं, इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आप लोगों को दिखा सके अच्छा वीडियो, और ड्रेसिंग भी अच्छा दिखा सके, ताकि नए जो इलेक्ट्रिशियन हैं जो गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, जो आना चाहते हैं वो देख ले कैसा वीडियो है, कैसा ड्रेसिंग होता है MDV का। अच्छे से नहीं हुआ, पूरा फाइनल तक वीडियो दिखाएंगे आपको कैसे कैसे हुआ है ऐसे पूरा। हमारा रेड फेस अभी कंप्लीट हो गया केबल टाई से, अभी इसको कटर से कट कर दिया जा रहा है, और फिर वहाँ पे हम केबल टाई से उसको अच्छी तरीके से लॉक कर दिए। और अभी इसके साथ एक बांध जाएगा, अभी इसके साथ ये तीनों को आपस में हम इसे RY भी देख रहे हैं, सबसे ऊपर R है, फिर मिडिल में Y है, फिर लास्ट में ब्लू है, इस तरीके से। और तीनों को हम बांध देंगे ताकि फिर इधर उधर ना उसके एक साथ रहे, और देखने के लिए भी अच्छा रहेगा प्रॉपर तरीके से। काम कर रहे हैं तो आप जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है तो मेन इलेक्ट्रिशियन है, आप नया तो है नहीं, और नया भी हम बंदा तो भी देख सकता है कैसे कैसे किया था। और जो हमारे पास अशोक भाई हैं ये काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं, इनको कम से कम 10-15 साल हो गया इनको इस फील्ड में काम करते हुए, और अच्छे तरीके से ये ड्रेसिंग करते हैं, कोई भी DV हो, MDV हो, SMDV हो, फ्लोर DV हो या मेन पैनल हो, कोई भी हो, ग्लैंडिंग थिम्बल ऑल टू ऑल। अब ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है RYB, इसको एकदम स्ट्रेट, कहीं भी बैंड नहीं, कहीं भी
बैंड ये कितना प्रॉपर तरीके से बैंड हुआ है। अब पहले अर्थ को हम पहले सही से ड्रेसिंग कर लिए थे, उसको अभी कनेक्शन नहीं किए थे अर्थ लिंक से, अभी ऐसे ही फंसा के रखे हुए थे ताकि पहले वो फेस को हम सही तरीके से प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग कर लें, फिर उसके बाद हमारा अर्थ को कनेक्शन करेंगे अर्थ बार से। गाइस ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है अर्थिंग का, और एक साइड का फेस हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अभी कनेक्शन नहीं हुआ बल्कि ड्रेसिंग हो गया है, केबल ऐसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आगे हम बताएंगे। अभी थोड़ा हमारे इलेक्ट्रिशियन गए हुए हैं आराम करने के लिए, अब उसके बाद हम आपको बताएंगे पूरा। अभी पूरा बाकी है कनेक्शन करना, ड्रेसिंग करना, मेन केबल भी बाकी है और हम और बताएंगे इसमें सेफ्टी और कैसे कैसे इसमें हमारा केबल ड्रेसिंग होगा, कैसे हम इसको प्रॉपर तरीके से रखेंगे। हाँ, और ये बॉडी टच ना हो, ध्यान दें कि बॉडी में टच ना हो, अगर बॉडी टच है तो स्लीव लगाएंगे, स्लीव हमारा आएगा उसमें बांधने के लिए, हम ऐसे इस तरीके से जिस तरह ये है ना उस सेम उसी तरीके से यहाँ अभी हम लगाएंगे, अभी आया हुआ नहीं है, अभी आएगा वो लग गया है। वो तीन आप जर पहले दूसरा अपना है।